ओके बढ़िया बढ़िया। आदाब नमस्कार, प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आशा स्वयं सेविकाओं का रुका हुआ मानधन दिवाली से पहले दिया जाए, इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर धरना आंदोलन किया गया। आज तारीख 1 नवंबर 2021 सोमवार के रोज आयटक स्वास्थ्य विभाग आशा और गट प्रवर्तक संगठन महाराष्ट्र राज्य परभनी विभाग की ओर से परभनी जिले के ग्राम और शहरी इलाके के आशा स्वयं सेविकाओं के 2000 रुपये, गट प्रवर्तक के लिए 3000 रुपये और 1 जुलाई से आशा के 1000 रुपये, गट प्रवर्तक के 1200 रुपये बढ़ा हुआ रुका हुआ मानधन उनके खाते में दीपावली से पहले जमा किया जाए, इस मांग के लिए आज तारीख 1 नवंबर सोमवार के रोज कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस समय कांग्रेस राजन सिरसागर, एडवोकेट माधुरी सिरसागर आदि ने इस समय मार्गदर्शन किया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मराठवाड़ा यात्रियों की सुविधा के लिए नीतियां लागू करे, दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानन माल्या ने दिया निवेदन। दक्षिण मध्य रेलवे विभाग लगातार मराठवाड़ा यात्रियों की समस्याओं को अनदेखा किया करता है। इस विभाग के यात्रियों को रेलवे की कई सुविधाएं नहीं मिल पाती है, वो तुरंत उपलब्ध कराए। उसी तरह इस विभाग के मनमाड़ दोहरीकरण पूरा करे आदि मांगों के साथ परभनी स्टेशन पर की कैफियत भी महाप्रबंधक गजानन माल्या इनके सामने रखी गई। माल्या परभनी स्टेशन पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस बार यात्री महासंघ के पदाधिकारी ने उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याएं उठाई। 10 साल पहले परभनी स्टेशन को आदर्श घोषित करने के बावजूद दक्षिण मध्य रेलवे ने आदर्श स्टेशन की कोई सुविधा नहीं दी है। नवीनतम प्रतीक्षा घर, प्लेटफॉर्म, डिस्प्ले, वॉशरूम, पेयजल, पुख्ता बैठक व्यवस्थाओं की कमी। परभनी स्टेशन पर 4 और 5 जैसे 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाए और इस विभाग के लिए परभनी से मनमाड़ डबल की आवश्यकता है। गोवा, तिरुपति, कन्याकुमारी के साथ नांदेड़ औरंगाबाद इंटरसिटी गाड़ी रोजाना गाड़ी चालू करे, कोविड स्पेशल स्टेटस हटाए, जनरल टिकट चालू करे, नई डेमू गाड़ी आदि चालू करने के साथ दक्षिण मध्य रेलवे मराठवाड़ा को मिलने वाली सपत्नीक व्यवहार रुकाए और यात्रियों को सुविधा तुरंत दे, ऐसी मांग की गई है। इस समय प्रवासी महासंघ के अरुण मेघराज, प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े, श्रीकांत गड़प्पा, प्रवीण थानवी, बाबा साहेब देशमुख, प्रताप सिंह देशमुख आदि हाजिर थे। शहर के एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में भ्रष्टाचार उन्मूलन दक्षता जन जागृति सप्ताह समारोह प्रोग्राम संपन्न। आज तारीख 1 नवंबर 2021 सोमवार के रोज परभनी शनिचर बाजार स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में परभनी विभाग की ओर से तारीख 26 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक भ्रष्टाचार उन्मूलन दक्षता जन जागृति सप्ताह का आयोजन किया गया। आज इस जन जागृति सप्ताह का समारोह कार्यक्रम में सप्ताह में जन जागृति के लिए किए गए काम की जानकारी, जिसमें परभनी जिले के विविध जगहों पर ऑफिसों में, तहसीलों में, तहसील की जगहों पर भीड़ भाड़ के में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से पोस्टर, बैनर, स्टिकर लगाए गए, पॉम्पलेट बांटे गए, नागरिकों में जन जागृति करते हुए सप्ताह का समारोह किया गया। इस समय कार्यक्रम में एंटी करप्शन ब्यूरो के DYSP भारत हुबे, नानपेट पुलिस थाने के PI कुंदन कुमार वाघमारे, रश्मि खांडेकर मैडम, स्वप्नाली धूतराज आदि हाजिर थे। इस समय मान्यगणों ने नागरिक छात्राओं को और समाज सेवक NGO पदाधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरह काम करते हैं इस बारे में जानकारी देकर मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के कर्मचारी आदि ने मेहनत ली। सदरचा जनजागृति सप्ताह हा प्रत्येक वर्षाच्या ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा आणि नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा या दरम्यान साजरा करण्यात येतो। त्याचं औचित्य असं आहे, आपले लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती असते 31 ऑक्टोबरला। त्या जयंतीच्या निमित्तानं म्हणजे ज्या आठवड्यात जयंती ते त्या आठवड्यामध्ये तो सप्ताह साजरा केला जातो। या सप्ताहाचं प्रमुख जे यावर्षीचं ब्रीदवाक्य होतं, स्वतंत्र भारत @75, म्हणजे आपण 75 वर्ष आपलं स्वातंत्र्याचं, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता, भ्रष्टाचार थांबवा देश वाचवा, अशा पद्धतीचं ब्रीदवाक्य आपण केलं होतं। या सदर कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं आपण 26 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबरच्या दरम्यान आपल्या परभणी जिल्ह्यातले जेवढे शासकीय कार्यालय आहेत तालुका ठिकाणी, जिल्ह्याच्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी जाऊन पोस्टर्स, बॅनर्स वाटप केलं। त्या पोस्टर्सवर माहिती दिली आम्ही कशी तक्रार करायची, काय करायचं, तसंच गर्दीच्या ठिकाणी, बाजाराच्या ठिकाणी, बाजारपेठ ठिकाणी जाऊन लोकांमध्ये जनजागृती केली। शहीद उधम सिंह फाउंडेशन और टाइगर ग्रुप इनके संयुक्त से टाइगर ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष पहलवान डॉक्टर तानाजी भाऊ जाधव इनके जन्मदिन के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर और बाल कराटे खिलाड़ी और उसी के साथ खेल खिलाड़ियों को सामग्री और खाने को बांटने का कार्यक्रम
तारीख 1 नवंबर 2021 सोमवार के रोज सुबह 10 बजे पूर्णा के गोंधल सम्राट राजाराम बापू कदम सांस्कृतिक हॉल में पुराना मोंडा इस जगह पे आयोजित किया गया था। इस समय रक्तदान शिविर का उद्घाटन पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक सुरेश राव वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्णा नगर पालिका के नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि और शिवसेना नेता संतोष एकलारे ये थे। तो प्रमुख अतिथि में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति बाला साहेब देसाई, मनबीर सिंह ग्रंथी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, उसके साथ शिवसेना जिला प्रमुख विशाल कदम, हाजी खुरैशी उपनगर अध्यक्ष एवं नगर सेवक, एडवोकेट राजेश भालेराव, उत्तम भैया खंदारे, प्रमोद एकलारे, सुधाकर खराटे, श्याम राव कदम, मानिक राव सूर्यवंशी, गोविंद कदम आदि हाजिर थे। इस समय सरकारी नौकरियों में रहकर भी सामाजिक हित कार्य करने वाले अधिकारियों का सत्कार रखा गया, जिसमें सत्कार मूर्ति के तौर पर पूर्णा के तहसीलदार पल्लवी टेमकर, उसी के साथ पुलिस अधिकारी सुभाष राव राठौड़, एपीआई चंद्रकांत पवार, सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड़ के सचिव रविंद्र सिंह गुंगई, पूर्णा के ज्येष्ठ व्यापारी प्रतिष्ठित नागरिक प्रताप सिंह रामचंदानी, इनके साथ रेलवे डिवीजन कामगार नेता कांग्रेट अशोक विठल राव कांबड़े आदि का सत्कार किया गया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य संयोजक दिनेश चौधरी, देवेंद्र राठौड़, सुनील जाधव आदि की पदाधिकारियों ने मेहनत ली। ये शहीद उद्यम सिंह जी फाउंडेशन टाइगर ग्रुप जो आज का जो कार्यक्रम दिया, जिस जिसने समाज कार्य में अपना योगदान दिया, इंसान का वैसा तो फर्ज है, अपन कई जीवनियों के बाद इंसान के जन्म में उसकी जन्म होता है, तो ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना, किसी के काम आना चाहिए। तो जो जिसने जैसी अपनी जिम्मेदारी निभाया, कोरोना काल में पुलिस ने, हेल्थ विभाग ने, नगर पालिका ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ने, पत्रकारों ने, सबने जो काम किया, ये शहीद उद्यम सिंह जी फाउंडेशन और उनके सभी पदाधिकारी, टाइगर ग्रुप के सभी पदाधिकारी, इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम लेके जिस जिसने काम किया उनकी हौसला अफजाई की। इसी तरीके से कार्यक्रम लेने की वजह से लोगों में और जागरूकता आती, लोग और जुड़ते जाते काम करते और कि हमारा भी कल मंच पर सम्मान हो सकता है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ गुरुद्वारा। परभनी के बाल वैज्ञानिकों द्वारा पेलोड उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, अभिनव पहल की प्रतिक्रिया, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च एंड एजुकेशन और परभनी खगोलीय सोसाइटी और क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा परभनी के पास भोसा इंद्रायणी माल से उपग्रह लॉन्चिंग का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न गाँवों से आने वाले उत्साहित अभिभावक और छात्र बड़ी मात्रा में शामिल थे। उपग्रह प्रक्षेपण एक अभिनव पहल है। यूनाइटेड मैट्स ग्रुप द्वारा परभनी के विभिन्न स्कूलों से 31 अक्टूबर 2021 इंद्रायणी माल से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। परभनी के बाल विज्ञानियों को द्वारा किया गया पर्यावरण अध्ययन, जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में कूद गया तो उपस्थित लोगों ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा लगाते हुए बाल रोग विशेषज्ञ और उनके मार्गदर्शकों को सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के लिए परभनी के एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर नाइक, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन परभनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मोड़क, मुख्य अतिथि वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर धीरज कुमार कदम, मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर कैलाश दाखोरे, डॉक्टर जगदीश नाइक, डॉक्टर विठल सिसोदिया, प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शिंदे, कैलाश सुलसुरे शामिल थे। परिचयात्मक आईसर के सचिव प्रसन्न भावसार, टीम लीडर उर्जित भावसार ने सेटेलाइट अभियान की पूरी जानकारी दी। टीम के शेष सदस्य पार्थ ज्ञानोबा दराड़े, हर्षद दीपक शिंदे, न्यू महेश कांकरिया, तारा रोहिदास नितोड़े, इंद्रायणी किरण सोनटक्के, वेदिका अमिताभ करतन, राशि तापड़िया, इन बाल वैज्ञानिकों ने ये पेलोड उपग्रह बनाया। इस प्रोग्राम का सूत्र संचालन महेश शेवाड़कर, तो आभार कैलाश सुरो से इन्होंने माना। कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए पंचायत समिति सदस्य दत्ता जाधव, आयसर के सचिव प्रसन्न भावसार, दीपक शिंदे, परभनी एस्ट्रोनॉमिकल के सोसाइटी के सचिव सुधीर सोनुनकर, गजानन पांचाल, मानिक गोरे, जीजा जाधव, पीआर पाटिल, डॉक्टर विजय नरवाड़े, वेद प्रकाश आर्या, डॉक्टर रंजित लाल, प्रसाद वाघमारे, अशोक लाल, अशोक सिरगतवार, अनिल पटवे, कृष्णा जावड़े, संगीतकार महेश काटे आदि ने मेहनत की। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।
Never miss an update.